दुबई चैनल। तो कलंगुट बीच के बाद अब मैं आ गई हूँ बागा बीच पे। अगर आपका गोवा ट्रिप प्लान है और आप बागा बीच आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्राउड कैसा मिलेगा, कौन कौन से ईटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे वेदर कैसा है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हर बार की तरह मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बागा बीच का हमारा ट्रिप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो अगर आपके पास कार है तो ये यहाँ पे बागा बीच पे कार पार्किंग एरिया है और कार पार्किंग के ही पास में ये वॉशरूम एरिया भी अवेलेबल है। और यहीं से जब आप ये कार पार्किंग से बाहर आते हैं तो कार पार्किंग के यहीं पे ये ऑपोजिट में एक छोटा सा ईटिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है जहाँ पे आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकते हैं खाने पीने के लिए। तो मैं ये जगह थोड़ी आपको अंदर से दिखा देती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉप्स हैं। सो यू कैन सी टी, कॉफ़ी, वड़ा पाव, सो सम मैगी, सच टाइप ऑफ स्मॉल ईटिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक यू कैन सी दिस मेन्यू। सो फास्ट फूड, सो दिस कैन बी अ नाइस ऑप्शन अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाना चाहते हैं तो। सो यहीं से जब हम अभी बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेट जाके देन बागा बीच है। सो यहीं पे आप अपनी टू व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं एंट्रेंस के पास में ही। यहाँ पे ये सारी टू व्हीलर पार्किंग एरिया है तो यहाँ पे आप अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं, पे पार्किंग है। सो अराउंड 20 to 30 rupees आपसे चार्ज किए जाएंगे एंड आप कैश भी पे कर सकते हैं या पेटीएम भी कर सकते हैं। तो ये बागा बीच का एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर करते हैं इस रोड से एंड देन यहीं से इस साइड पे पे का पार्किंग एंड स्कूटी पार्किंग एरिया है। तो चलिए अब हम अंदर बागा बीच पे चलते हैं। सो यहीं से आप एंट्री लेते हैं एंड ये इस साइड पे टैक्सी स्टैंड है एंड देन टू व्हीलर्स भी आप अपनी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। दीज आर सम स्मॉल ऑप्शन 50 rupees ईच एंड देन अ लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस हियर राइट एट द बीच। तो ये कम्प्लीटली क्लोज रहता था, आज क्योंकि मौसम खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है तो ये भी यहाँ पे शॉप्स अभी अवेलेबल है एंड यहीं से अब हम एंटर करेंगे। देर आर अ लॉट ऑफ टैटू शॉप्स एज वेल हियर। तो यहीं पे जैसे ही आप एंटर करते हैं सो एंट्रेंस पे ही ये फर्स्ट रेस्टोरेंट है, फिशरमैन नॉक। एक्चुअली फिशरमैन वॉर्फ एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है गोवा में, सो मे बी दे गॉट एन आइडिया ऑफ दैट फ्रॉम दिस। और ये है इस साइड पे, सो फिशिंग हो रही है। यूजुअली जब बहुत तेज बारिश होती है तो उस टाइम पे फिशिंग बंद रहती है, बट आज बिकॉज वेदर और मौसम पूरा खुला हुआ है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है तो फिशिंग भी हो रही है। और लुक एट द क्राउड, तो ये क्राउड है बागा बीच पे। तो अभी धूप हल्की हल्की बीच बीच में आ रही है, जा रही है, सो इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी डार्क है, बट दिस इज द क्राउड सिचुएशन हियर। तो एंट्रेंस पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं अभी इस वक्त यहाँ पे बीच पे। तो यहाँ पे यार हर जगह पे रील ही रील बन रही होती है, तो यहाँ पे ये रील बन रही है एक और मे बी बादल बरसा दैट रील। और ये बागा बीच पे इस साइड पे नदी है एंड नदी सी में आके मिलती है इस साइड। यूजुअली जब आप सीजन टाइम पे आते हैं
जब मतलब बारिश नहीं हो रही होती है उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी फिशिंग बोट्स होती है, और यहाँ पे अगर आप इवनिंग में आते हैं तो यहाँ पे बल्क में आप सस्ते रेट पे फिशेस ले जा सकते हैं। ये है रिवर साइड ऑफ बागा बीच, और इस रिवर के उस साइड पे भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, आपको एक पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है एंड देन यू कैन सिट ऑन दैट अदर साइड। सो यू कैन सी दैट बागा बीच बोर्ड इज देयर। और अब इवनिंग हो चुकी है, अराउंड 7 o'clock हो गया है एंड यू कैन लुक एट द क्राउड हियर। So there are so many people here. So बहुत सारे लोग अंदर पानी में भी हैं एंड दे आर enjoying being inside the water, क्योंकि मौसम अभी इस वक्त मौसम खुला हुआ है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और सुबह से धूप थी, अब इवनिंग में धूप तो नहीं है बिकॉज सूरज तो ऑलमोस्ट ढल गया है, यू कैन सी सन देयर, और बहुत ही क्लियर वेदर है अभी इस वक्त यहाँ पे, और सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है और पानी की जो वेव्स है वो इतनी हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें नहीं है, तो शांत है अभी इस वक्त पानी। सो इसी वजह से लोगों को अलाउड है टू गो इनसाइड द वाटर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी इस वक्त पानी के अंदर हैं एंड दिस इज द क्राउड सिचुएशन हियर। और अगर आपको फोटोज क्लिक करवानी है सो यू विल गेट सम पीपल हियर हु क्लिक योर फोटोज, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनसे आप पेड बेसिस पे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, लाइक दिस वन, तो वो आपकी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर देते हैं एंड प्रिंट करके आपको सेम टाइम पे दे देते हैं। सो अराउंड 50 to 200 रुपीज में, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ दी फोटो, वो आपको चार्ज करते हैं एंड आप यहाँ से फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो ये फोटो क्लिक करेंगे एंड देन उनका प्रिंट उनको प्रिंट करके दे देंगे। तो ये है बागा बीच पे क्राउड इस वक्त। There are so many people, so many tourists here right now. और पानी के बहुत अंदर तक लोग अभी इस वक्त enjoy कर रहे हैं। So everybody is enjoying here. सो मोस्टली ये जो फोटोग्राफर है आपको रेड शॉर्ट्स एंड वाइट शर्ट में ही दिखाई देंगे। सो ये जितने भी दैट इज आई थिंक देयर ड्रेस कोड बिकॉज एवरीबडी इज ड्रेस्ड लाइक दैट हियर एंड दिस द बीच, लुक एट द क्राउड। अब भाई साहब शाम हो गई है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, और तो अब ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं इन सबका सेटिंग अरेंजमेंट हो रहा है फॉर नाइट एंड म्यूजिक इज ऑन एंड एवरीबडी विल बी इन डांस पार्टी मूड। लुक एट द क्राउड। सो अगर आप लास्ट तक देखेंगे so it is completely full. Amazing
एटमॉस्फेयर हियर एट बागा बीच। जैसे यहाँ पे अभी इवनिंग हुई है तो इवनिंग के बाद यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है। देयर आर सो मेनी पीपल राइट नाउ एट दिस बीच। आप वहाँ पे लास्ट तक देख सकते हैं, यू कैन सी दैट क्राउड। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि कब अंधेरा होगा और ये जितने भी यहाँ पे लाइटिंग है वो ऑन होगी, ताकि मैं उसका वीडियो लेकर के आपको दिखाना चाहती हूँ। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, अब बहुत देर हो गई है बट फिर भी अभी भी थोड़ी सूरज की रोशनी है, तो उस वजह से वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सॉन्ग चल रहे हैं यहाँ पे, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एंड यहाँ पे लाइटिंग भी हो गई है। सो इस साइड पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, बट आगे की साइड पे वहाँ पे है, तो अब हम वॉक करके थोड़ा उस तरफ तक जाते हैं। एंड यू कैन सी दे हैव सम नाइस सिटिंग अरेंजमेंट हियर, वेयर यू कैन सिट एंजॉय योर फूड विद दिस बीच व्यू। गोवा इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन ऑल सीजन, ऑल मंथ्स, थ्रू आउट द ईयर, सो यू कैन कम एनी टाइम। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्यूटिफुल लाइटिंग, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कुछ अमेजिंग पिक्चर्स आने वाली है। सो इवनिंग जब एकदम से अंधेरा हो जाएगा उस टाइम पे तो ये और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सो दिस इज कासा दी सिल्वर विच इज अनदर रेस्टोरेंट हियर, देन इन्फिनिटी, एंड उसी के साइड में है क्लब हबाना, देन लासोलास विच इज़ अनदर वेरी नाइस रेस्टोरेंट, एंड दे हैव वेरी नाइस म्यूजिक ऑल्सो, इवनिंग में बहुत अच्छा म्यूजिक रहता है, एंड देन यू कैन डांस एंड की क्लिक सम नाइस पिक्चर्स हियर, हैव सम नाइस फूड हियर। सो दिस इज हाउ बागा बीच राइट नाउ, just look at the vibe। यहाँ पे अगर आप देखेंगे they have such a nice sitting arrangement, and सबसे मजेदार बात तो ये कि अगर आप मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है, यहाँ पे ये कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, और जैसे ही इवनिंग होने लगती है तो ये सारे यहाँ पे बढ़िया वाला सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। सो दिस लुक वेरी नाइस, एंड देन अगर आप इवनिंग में यहाँ पर हैं सो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है इस वक्त, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एंड इट्स वेरी नाइस टू बी ऑन द बीच। इवनिंग में तो यहाँ पे बढ़िया मौसम हो गया है, तो और यहाँ पे ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी अगर आप बैठ करके आराम से व्यू एंजॉय करते हुए, जस्ट एंजॉय बीइंग हियर ऑन द बीच। एंड दिस इज कलंगुट बीच ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, सो यू कैन सी यहाँ पे पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट हो गया है। सो दिस इज इट फ्रॉम बागा बीच, और अब हल्की हल्की हवा चलने लगी है बिकॉज शाम हो गई है, और अब बज रहे हैं अराउंड 6:37 o'clock।
सो मौसम अच्छा हो गया है, क्राउड ज़्यादा हो गया है, तो अगर आप किसी भी बीच पे आते हैं तो आपको इवनिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा, बिकॉज इवनिंग टाइम पे लोग धीरे धीरे बीचेस पे आना प्रेफर करते हैं, यहाँ पे बैठ करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और बागा बीच पे तो अमेजिंग लाइटिंग हो जाती है, अमेजिंग सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। अगर आप मानसून टाइम पे भी आ रहे हैं बागा बीच पे, तो यहाँ पे नाइट में भी बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो ऑफ बागा बीच। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।